आप स्वस्थ रहें। एक समय की बात है, एक राज्य था जिस पर शासन करता था एक बहुत ही घमंडी राजा। वो अपने अच्छी सलाह देने वालों की कभी नहीं सुनता था, पर अपने ही सनकीपन में फैसले लेता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था तारा। वो होशियार थी और मजाकिया भी, और साथ ही वो अपने पिता के तौर तरीकों से बहुत तंग आ गई थी। बहुत ही मूर्खतापूर्ण नियम बनाए जाते और उसके राज्य के लोग या तो हंसते या फिर उलझन में पड़ जाते। ये गाजरें कमाल की हैं, क्या ये नहीं है तारा? मेरे ख्याल से नहीं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज के बाद राज्य के सभी लोग बस गाजर ही खाएंगे। क्या? पर हमारे राज्य के लोग बहुत ही नाखुश होंगे। ओ, बेशक नहीं तारा, राज्य के लोग मुझसे प्रेम करते हैं, वो इस नियम को पसंद करेंगे। पर एक सप्ताह के बाद राजा हर दिन गाजर खाते खाते तंग आ गया था। गाजर की पाई, गाजर का शोरबा, गाजर गाजर सब जगह मैं इससे तंग आ गया हूँ। तब तो शायद राज्य के लोग भी इस नियम से तंग आ गए होंगे। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो, मैं इसे हटा दूंगा। दोनों ही तरह से प्रजा बहुत नाखुश थी जिस तरह से वो शासन कर रहा था। अब महल में एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम था ल्यूसिया, जो असल में एक परी थी। पर हालांकि वो बहुत जवान दिखती थी, उसकी उम्र हजार साल की थी। ल्यूसिया की एक और दोस्त थी स्पार्कल। स्पार्कल एक फूलों की परी थी। वो एक बहुत ही आनंदित और जिंदा दिल और छोटी सी चीज थी, और वो बाग में खूबसूरत फूलों के बीच रहती। दोनों ने मिलकर शाही परिवार की बहुत बरसों तक देखभाल की थी। गुड मॉर्निंग ल्यूसिया, तुम मेरे लिए क्या खबर लाई हो? क्या राजा ने कोई नियम बनाए हैं? ओ स्पार्कल, हमारा राजा कितना बेवकूफ है। मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे इतने भयानक मूर्खतापूर्ण नियम बना सकता है। पिछला राजा बहुत अच्छा था, है ना? वो था, खासकर इसलिए कि उसे गाजरें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। वहाँ कौन हंस रहा है? ओ नहीं, ये तो राजा है, जल्दी करो, छिप जाओ, वो तुम्हें न देख पाए। ओ ल्यूसिया, क्या तुम हंस रही थी? सुप्रभात महाराज, हाँ मैं हंस रही थी, क्योंकि ये बाग मुझे बहुत खुश कर देता है। खैर, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बाग मेरा है तो कोई भी इसे पसंद करेगा। और यहाँ के फूल कितने सुंदर हैं, कोई बाग इतना सुंदर हो नहीं सकता जितना मेरा है। ओह मेरे महाराज, असल में वो फूल। बेवकूफ राजा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। वो सचमुच बहुत अच्छी खुशबू देती है। ओह महाराज, आपकी अच्छी सेहत के लिए। राजा बहुत हैरान था। आप स्वस्थ रहें, ये मेरे कानों के लिए अच्छा लगता है। हर एक को मेरी अच्छी सेहत की कामना करनी चाहिए जब मैं छींकता हूँ। खैर मैं देखो, तुम सहमत हो, हर कोई होगा क्योंकि मैं राजा हूँ और हर कोई राजा से प्रेम करता है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जब हर बार मैं छींकूं तो पूरा राज्य मुझसे एक ही बात कहे, आप स्वस्थ रहें। राजा चला गया खुद पर बहुत नाज करते हुए। ओह स्पार्कल, तुमने ये क्या किया? चिंता न करो ल्यूसिया, मैंने उस जादू की धूल में थोड़ी खुशकिस्मती मिला दी है। चले देखते हैं आगे क्या होता है। पूरे राज्य में संदेश वाहक भेजे गए और उनके आसपास लोग इकट्ठे हुए। सभी सुने, राजा ने एक नया नियम घोषित किया है कि हर छींक जो महाराज को आएगी उसकी सारी प्रजा को ये शब्द कहने होंगे, आप स्वस्थ रहें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। अरे राजा को क्या हो गया है? कहीं सिपाही तुम्हें सुन ना ले, हमें घोषणा के हिसाब से चलना होगा। तो राज्य के लोगों ने आज्ञा मानी। हर बार जब राजा छींकता घंटियां बजाई जाती और सब लोग कहते, आप स्वस्थ रहें। अब इस राज्य में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम था एरन। वो एक ईमानदार आदमी था और बहुत होशियार भी। वो कभी सुनी सुनाई बातों से सहमत नहीं होता था और हमेशा उसके लिए खड़ा होता जो सही होता और जायज होता। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा था जब कुछ दोस्त उसका अभिवादन करने आए। ये देखो, यहाँ बैठा है ईमानदार चरवाहा एरन। एरन चलो तुम्हारी मदद करें। आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें चुराने की कला सिखाएंगे और तुम कभी पकड़े भी नहीं जाओगे। एक अच्छी सोने की घड़ी शायद तुम्हारे लिए अच्छी रहे। मैं संसार की सारी घड़ियां चुरा सकता हूँ
और मैं कभी अमीर महसूस नहीं कर सकता। तुम्हें अमीर महसूस करने की जरूरत नहीं, तुम उन्हें चुरा सकते हो और हमें अमीर बना सकते हो। सही कहा ना? उसी समय राज्य की घंटियां बजने लगी। भगवान, लो राजा ने छींक दिया। सचमुच उसकी नाक तो बहुत बड़ी है। खामोश रहो, बस वो शब्द कह दो। आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहें। हालांकि एरन वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं कहा। उसके दोस्तों ने पहरेदारों को देखा और उसे कुहनी मारी। एरन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पहरेदार नहीं देख रहे? मुझे वो दिख रहे हैं, पर मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा कि मैं हर बार ऐसी कामना भला क्यों करूं? मुझे तो ये सब बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। मैं तो उसे छींकते हुए देख भी नहीं सकता। खामोश रहो एरन। क्या तुम चाहते हो कि पहरेदार ये सब सुन ले? उन्होंने सुन ही लिया। और जैसे ही एरन मुड़ा, एक पहरेदार ने सुन लिया था जो कुछ भी उसने कहा था, और अब वो गुस्से से उसकी तरफ घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के बारे में बुरा बोलने की? उस शब्द को दोहराओ जिसकी राजा ने आज्ञा दी है, वरना तुम्हें महल में ले जाया जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करो, मैं राजा से नहीं डरता और मैं उन शब्दों को दोहराने से इनकार करता हूँ। इसके साथ ही पहरेदार एरन को महल में ले गया। जब राजा ने वो सुना जो एरन ने कहा था, तो वो बहुत क्रोधित हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के बारे में बुरा कहने की? क्या तुम अपने शासक की परवाह नहीं करते? मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा महाराज, पर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये भी बहुत मजाकिया लगता है कि आपको छींकते हुए देखकर आपकी अच्छी सेहत की कामना करूँ। मजाकिया? तुम मुझे, इस राज्य के महान शासक को मजाकिया समझते हो? तुम एक अदना से चरवाहे। पिताजी, इन सुंदर फूलों की तरफ देखो जो मैं। ओ, ये आदमी कौन है? इस आदमी ने मेरे नए नियम को न मानने की जुर्रत की है। ये एक सर्वोत्तम नियम है। तो असल में ये वो व्यक्ति है जो जुर्रत कर सकता है मेरे पिता के नियमों के विरुद्ध जाने की। क्या तुम मेरे पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं राजकुमारी जी, मैंने उन्हें बस ये बताया कि मुझे ये सब बहुत मजाकिया लगता है। ओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प लगता है। उसी क्षण अचानक स्पार्कल प्रकट हुई उस फूल के नीचे जिसे तारा ने पकड़ा हुआ था। उसने फिर से अपनी जादुई धूल उड़ाई और वो सीधे तारा के नाक में गई। अच्छू। ओ, आप स्वस्थ रहें। क्या तुमने उसके लिए कहा? तो फिर तुमने वो मेरे लिए क्यों नहीं कहा? तुमने हंसने की जुर्रत कैसे की? पर मैं नहीं हंसा। बहुत हो गया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पहरेदारों, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ और इसे शेरों के माद में फेंक दो। पहरेदारों ने एरन को कंधे से उठाया और शेरों की माद में फेंक दिया। वो बहुत गहरी और खोखली थी, वहाँ से बचा नहीं जा सकता था, और एरन को इंतजार करना पड़ा कि वो भयानक शेर माद में छोड़े जाए। पर एरन बहुत फुर्तीला था। उसने कुछ मांस के टुकड़े निकाले जो उसके झोले में थे। उसने एक नींद की दवा भी निकाली और उसे मांस के ऊपर उड़ेला। उसने उन्हें फिर से जमीन पर रख दिया और बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। जब शेर को मांद में छोड़ा गया तो वो एक बहुत भयानक तरीके से दहाड़ा और बेचारा एरन बहुत डर गया। पर शेर ने मांस को सूंघ लिया था और जल्दी ही वो उसके टुकड़े खाने लगा। अच्छा है, अच्छा शेर, वो सब जल्दी से खा लो। ओहो। शेर क्रोधित हो गया कि किसी ने उसके बेटन में खलल डाला। यहाँ वहाँ देखने पर उसे एरन नजर आया और वो गुस्से में दहाड़ा। ओ नहीं, कृपया मुझे मत खाओ, मत खाओ मुझे। और उसके साथ ही शेर गहरी नींद में सो गया और वो शांति पूर्वक पूरी रात सोया रहा और एरन नुकसान से बचा रहा। फिर भी वो पूरी रात जागता रहा। अगले सुबह जब पहरेदार एरन को देखने आए और वो बहुत सकते में आ गए उसे जीवित और प्रसन्न देखकर, जबकि शेर शांति पूर्वक उसके सामने सो रहा था, वो उसे राजा के पास ले गए जो उसे देखकर और भी सकते में आ गया। तुमने शेर से बचने की तरकीब कैसे निकाली? और एरन ने राजा को वो सब बताया जो उसने किया था। बहुत खूब, अब तक तो तुम अपनी जान के लिए डर गए होगे। क्या अब तुम मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करोगे? मुझे क्षमा कीजिए महाराज,
पर मैंने पहले जो कहा मैं उस पर कायम रहूंगा। फिर तो तुम्हें जंगली सुअरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, फिर तुम बच नहीं पाओगे। पहरेदारों, इस गुस्ताख आदमी को यहाँ से ले जाओ। बेचारे एरन को गड्ढे में फेंक दिया गया और जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, उसने देखा कि सुअर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पर यहाँ भी एरन ने बहुत फुर्ती से विचार किया। उसने एक बांसुरी निकाली और उस पर बहुत ही सुंदर धुन बजाने लगा, जिसे सुनकर सुअर नाचने लगे। वो पूरी रात नाचते रहे, इतना नाचे कि सुअर आखिरकार थक गए और हांफने लगे। अगली सुबह जब पहरेदार वहां गए तो उन्होंने एरन को जीवित देखा और वो ये देखकर हैरान रह गए कि सुअर उसकी बांसुरी की धुन पर नाच रहे थे। उन्होंने राजा के पास आकर पूरा किस्सा सुनाया। जब राजकुमारी ने नाचते हुए सुअरों के बारे में सुना तो वो जी खोल कर हंसने लगी। हे भगवान, आखिर अब मैं क्या करूं? ठीक है, फिर यदि सजाएं तुम्हें नहीं बदल सकती तो हम तुम्हें उपहार से बदल देंगे। राजा एरन को एक दूर दराज जगह पर ले गया और उसे एक घर दिखाया जो केवल सोने का बना था। वो इतना चमक रहा था कि एरन उस पर से अपनी नजरें ना हटा सका। क्या ये सुंदर नहीं है? ये तुम्हारा हो सकता है यदि तुम मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करो। सोने का घर? आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। चाहे तुम मुझे पूरे संसार का सोना और जेवर ही क्यों न दे दो, मुझे रिश्वत नहीं दी जा सकती। राजा असमंजस में पड़ गया, उसे शब्द सूझ नहीं रहे थे। उसे पता नहीं था कि वो क्या करे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा मन बदलने के सभी तरीकों को खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, फिर जब तक मैं वो तरीका नहीं ढूंढ लेता कि तुम मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करो, तो तुम मेरे पहरे में मेरे महल में रहोगे। एक बार जब तुम मेरी प्रशंसा करना सीख लोगे तो तुम निश्चय ही मेरे लिए सुंदर शब्द गाओगे। एरन के लिए इस स्वयं को प्रेम करने वाले राजा को देखना बहुत मनोरंजक था। फिर भी उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया, हालांकि उसके सामने कोई और विकल्प था ही नहीं। महीनों तक एरन वहाँ ठहरा और उसने महल में अपने जीवन का आनंद लिया। वो सबसे बात करता और जल्दी ही सबको ये पता चल गया था कि वो कितना महान और न्यायप्रिय है। राजा ने भी एरन के तौर तरीकों पर गौर किया और जब वो बात करने लगे, राजा को जल्दी ही अपने राज्य के बारे में पता चलने लगा, लोगों की परेशानियों के बारे में, क्योंकि एरन एक विनम्र चरवाहा था। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे राज्य के लोग अब बहुत खुश दिखाई देते हैं और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तुमसे सलाह ली है। क्या तुम मेरे शाही सलाहकार नहीं बन सकते और इस महल में खुशी खुशी रह सकते हो? क्या आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में खुशी होगी महाराज? और इस तरह राजा जल्दी ही बुद्धिमान हो गया और समय के साथ साथ उसके सब स्वार्थी तौर तरीके गायब होने लगे। अब राज्य खुशहाल होने लगा था। एक दिन राजा ने तारा और एरन को एक दूसरे को प्रेम से निहारते हुए देखा। उसने ये जान लिया कि इस पूरे समय जब एरन वहाँ था तो उस दौरान उन दोनों में गहरा प्रेम हो गया था। तारा मेरी प्रिय, यदि तुम एरन के साथ रहना चाहती हो तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ये एक बुद्धिमान इंसान है और मुझे तुम्हारी शादी इसके साथ करवा कर खुशी होगी। ओह, धन्यवाद पिताजी, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। अगले ही दिन विवाह संपन्न हुआ और हरेक ने इतनी खुशियाँ मनाई, यहाँ तक कि स्पार्कल भी जागती रही संगीत पर नाचते नाचते। स्पार्कल, नीचे आओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। मुझे कोई नहीं देखेगा लूसिया, वही संगीत का आनंद उठाने में व्यस्त है जैसे कि मैं भी हूँ। और जब वो नाच रही थी, उसकी बहुत सी पिक्सी धूल राजा, तारा और एरन पर गिरी। ओ नहीं, फिर से नहीं। अच्छू अच्छू अच्छू। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो सब बहुत हैरान थे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके साथ वो खुशी खुशी हंसते रहे।